सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को यूपी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन स्तर कब बेहतर होगा, उनके सपने कब पूरे होंगे, इसी क्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोगों के जीवन स्तर को बेहतर नहीं करना चाहते हैं, केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं। जब सरकार इतना बड़ा बजट ला रही है तो पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो देश के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन दे रही है, उनका जीवन स्तर कब बेहतर होगा, उनके जो सपने वो कब पूरे होंगे, उनके सपने पूरे होने के लिए क्या पढ़ाई का इंतजाम अच्छा हो गया है, क्या उनके पढ़े लिखे बच्चों के नौकरी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मेडिकल सर्विसेज बेहतर हो। आप, मैं इस सदन में सुन रहा था, बीजेपी की सरकार ये कहती है कि दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इस बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के तो आबादी भी तो आपकी है जिसकी वजह से बन रही है, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है, क्या लोगों के जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। ये लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं करना चाहते हैं, केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं।